मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इंडिया नीटिंग कंपनी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्रिसमस ट्री डेकोरेशन के सीरीज में एक नया पैटर्न बनाएंगे, नया एप्लिक बनाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेंगे, मैंने बताया है आपको मैजिक रिंग बनाने का, ठीक है। ये दोनों धागे मैंने ले लिए साथ, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी तरह पकड़ लिए। इस पर हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, ठीक है। और इसी मैजिक रिंग में फ्रेंड्स हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, पूरा राउंड 15 डबल क्रोशिया बनाकर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस मैजिक रिंग में 15 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इस मैजिक रिंग को हम धागा खींच कर छोटा कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ इसको जो शुरुआत में तीन चैन बनाई थी उसमें हम स्लिप स्टिच लेके यहाँ इसको जोड़ देंगे, दिख गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा आज हम अपने एप्लिक में ये एंजल बना रहे हैं, तो ये इसका हेड का पोर्शन है, ठीक है। अब यहीं पर मैं 8 चैन बनाऊंगी। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन ले ली। इसके फर्स्ट और सेकंड चैन में मैं एक स्लिप स्टिच लेके इसको टर्न कर लूँगी, स्लिप स्टिच लेके सेकंड चैन में, ऊपर से सेकंड चैन में, ठीक है ना। ये विंग्स बनाने के लिए, गोलाई देने के लिए, विंग्स की गोलाई देने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में क्रोशिया पर 1 2 और 3 तीन बार धागा लपेट के इसी होल में, दिख रहा है ना, इसी होल में फ्रेंड्स मैं, दिख रहा है, 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी, यानी 4 बार निकलना है, 1 2 3 4। तो 8 चैन बना ली। सेकंड चैन में मैंने इसको स्लिप स्टिच कर लिया, उसके बाद में इसी होल में मैंने 2 क्रोशिया ऊपर धागा 3 बार लपेट के, और इसी होल में मैंने 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब धागा 2 बार लपेट के मैं 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी इसी होल में, यहाँ 3 बार लेना, 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब धागा 1 बार लपेट के 1 बार डबल क्रोशिया इसी होल में, ठीक है फ्रेंड्स। पहले डबल ट्रिपल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक इसी होल में हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा है ना। और उसके बाद में आप इसी होल में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, और इसी होल में लास्ट में हम एक स्लिप स्टिच लेंगे। ये हमारा एक विंग बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट चैन में हम स्लिप स्टिच लेके सिंगल क्रोशिया लेके इसी के ऊपर हम 8 चैन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन बना लेना फ्रेंड्स,
ठीक है, दिख रहा है ना? अब ऊपर से सेकंड चैन में हम क्रोशिया हुक डाल के खाली स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इस पर क्रोशिया पर एक दो तीन बार लपेट के इसी होल में फ्रेंड्स, ठीक है, इसी होल में दो डबल ट्रिपल क्रोशिया चार बार निकालेंगे, एक दो तीन चार, दूसरी विंग बना रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद में दो बार धागा लपेटा और फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यानी अब तीन बार निकालेंगे, एक दो तीन, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक बार इस क्रोशिया पर धागा लेकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक इसी होल में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी होल में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी होल में हम एक स्लिप स्टिच लेके इसको बना कर्व दे देंगे। ये फ्रेंड्स हमारी दूसरी विंग बन गई है एंजल की, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट राउंड के लिए मिलते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे ये दोनों विंग बन गए। अब इन दोनों के बीच में जो ये होल दिख रहा है ना, ये वाला, उसमें हम पहले तो हम अभी तीन चैन ले लेंगे, एक दो, इस विंग को ख़त्म करके तीन चैन ले ली। अब इसी होल में बीच वाले होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है फ्रेंड्स। पांच तो हमने डबल क्रोशिया बना लिया और एक छठी चैन का था तो छह डबल क्रोशिया हो गए, ठीक है। ये तो दो तो विंग हो गई इसकी और छह डबल क्रोशिया बना लिया इन दोनों के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। अब वापस हम एक दो तीन चार चैन लेके टर्न कर लेंगे और ये जो छह डबल क्रोशिया बनाए ना, ठीक है ना फ्रेंड्स, दिख रहा है ना, इन पर हम प्रत्येक डबल क्रोशिया पर दो दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए एक तो इवन चार का बना लिया, अब इसी होल में मैं एक ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी, दो बार धागा लपेट के, एक दो, एक दो तीन, ठीक है। ये दो हो गए फ्रेंड्स, दो हो गए ना। अब नेक्स्ट वाले चैन में और दो बार धागा लपेट के, एक और इसी होल में एक बार और, प्रत्येक चैन में दो दो डबल ट्रिपल क्रोशिया करके मैं ये पूरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये एंजल का स्कर्ट पूरा कर लिया है, मतलब इन दोनों विंग्स के बीच में छह डबल क्रोशिया बनाए, पांच तो डबल क्रोशिया बनाए थे, एक चैन का छह डबल क्रोशिया, इन छह डबल क्रोशिया पर ऊपर प्रत्येक डबल क्रोशिया के अंदर दो दो ट्रिपल क्रोशिया बनाए, इस तरह से छः के ऊपर हो गए छः के डबल हो गए बारह, ठीक है। अब हम अपन इसके बॉर्डर को सजा लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच टर्न कर लिया और एक चैन स्किप करके ये नेक्स्ट वाले में यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे, इस तरह से बाउंड्री बनाने के लिए। फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर एक चैन स्किप करके नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया कर दिया, इस तरह से राउंड पूरा करके मिलते हैं। देखिए हमारा
ये चैन लेते हुए हमने फर्स्ट राउंड कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर पांच चैन लेंगे, एक लास्ट में आ गए, दो तीन चार पाँच, और वापस टर्न कर लेंगे, ठीक है। और इसी ये जो चैन का गोला बना है इसी के बीच में हम एक सिंगल क्रोशे से इसको जोड़ देंगे, फिर पांच चैन, दो तीन चार पाँच, फिर इस नेक्स्ट वाले में जोड़ देंगे सिंगल क्रोशे से। इस तरह से हम ये पूरा कर लेंगे राउंड। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एक दो तीन चार पाँच, ये पूरा राउंड करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे एंजल्स बना लिए, कितने सुंदर बनी है छोटी सी। एक मैंने पहले बना करके ऑरेंज कलर, एक मैंने वाइट अभी बनाई है आपके सामने, दिख रहे ना फ्रेंड्स, ये देखिए ब्लैक बैकग्राउंड में, ठीक है। और इसको लटकाने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसके हेड से ये अंदर किसी भी चैन में सेंटर में ये क्रोशिया हुक डाल के हम ये निकाल देंगे यहाँ से, ये ऊन, और यहाँ से इसको खींच लेंगे, ये लटकाने के लिए बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।